ass like. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हुआ पहले की तरह अच्छे ही होगे। गाइस, मेरा नाम है सनी ताज परिया और स्वागत है आप सभी का डेमन किंग यूट्यूब चैनल की एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, लेके आ गया हूँ एक काफ़ी कमाल की वीडियो जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए या उसका अंदर एमुलेटर अपडेट्स पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। एंड अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से यार वीडियो को लाइक कर दो। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एक लाइक के ऊपर हमारी पूरी वीडियो की मेहनत डिपेंड करती है। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, तो ऐसा मत करो यार, वीडियो को लाइक किया करो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए काफ़ी कमाल के अपडेट्स जो है लेके आया हूँ एमुलेटर के, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्काईलाइन एज एमुलेटर के अपडेट्स की। तो स्काईलाइन एज 12 आ चुका है, ठीक है, जो कि एक ज़बरदस्त अपडेट है गाइस। पहले मेरे फ़ोन में काफ़ी सारे गेम मैं ट्राई करता था तो सब जो है अटकते थे, ठीक है, लैग करते थे, लेकिन स्काईलाइन एज 12 आया है और मैंने इसमें गेम ट्राई किया तो इसमें 20 या 30 FPS पर जो है गेम चल रहे, ठीक है, ज़बरदस्त अपडेट है। ये गेम भी मेरे फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा अटक के चलता था लेकिन इस वाले अपडेट में काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो कभी कभी लोकेशन में, कुछ लोकेशन में 30 FPS पर भी गेम चल जाता है एंड कुछ लोकेशन पर 20 FPS पर भी गेम चलता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट है, मैंने काफ़ी सारे गेम इसमें ट्राई किए हैं एंड काफ़ी अच्छा जो है ये परफॉर्म कर रहा है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करो, आपको एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को जाकर देखो, आपको ये एमुलेटर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं विटा 3 के एमुलेटर की। जी हाँ गाइस, यहाँ पर डेवलपर ने एक गेम ट्राई किया है एंड यहाँ पर बताया कि 16 FPS पर जो है अब विटा 3 के एमुलेटर में गेम रन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 16 FPS पर जो है गेम रन हो रहे हैं एंड पोको F3 स्नैपड्रैगन 870 में, ठीक है, जो कि बहुत ही कमाल का ही एमुलेटर अब परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और दो गेम भी डेवलपर ने ट्राई किए हैं, वो गेम 20 या 30 FPS पर रन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि ज़बरदस्त गाइस ये अब इम्प्रूवमेंट्स हुआ है इस एमुलेटर में एंड फ्रेम रेट अब ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। एंड इस एमुलेटर की रिलीज डेट की बात करूँ तो आपको इस साल के एंड तक शायद आपको इसका बिल्ड जो है मिल सकता है, ठीक है। तो बात करें कार एक्स स्ट्रीट गेम की, तो इस गेम को लेकर काफ़ी बड़ा पंगा चल रहा था इसकी साइज को लेकर के, क्योंकि इस गेम की साइज बहुत ही ज़्यादा थी इसलिए प्ले स्टोर पर अलाउ नहीं था इतनी साइज को लेकर के, ठीक है। तो डेवलपर ने अब फिक्स कर दिया है एंड इसकी साइज को कम कर दिया है। अब जल्दी ही आपको ये गेम प्ले स्टोर पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये गेम जल्दी ही मिलेगा आपको, तो कुछ दिन रुक जाओ, आपको ये गेम मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे की नई वीडियो में।